सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआईबी और सीआईबी के बेनिफिट्स के बारे में। अगर कोई बैंकर जीआईबी और सीआईबी क्लियर कर लेता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कंपेयर टू जो वैसे बैंकर्स जिन्होंने जीआईबी और सीआईबी नहीं किया है, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं उनको जिन्होंने कर लिया है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अभी हाल में ही आईआईबीएफ ने जीआईबी का ऑफिशियल रिजल्ट अपने वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया है। आप सबको कुछ दिनों में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग अपने अपने बैंक के एचआर टीम को भेजेंगे और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिलने लगेगा। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, आईआईबीएफ के वेबसाइट से अपने रिजल्ट और जो आपका रिजल्ट का जो एडवाइस है उसको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी और उसका हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा, क्योंकि आईआईबीएफ के द्वारा मार्कशीट नहीं भेजा जाता है, वो लोग सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट करके अपने फाइल में रख लीजिए, साथ ही उसका एक सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास लैपटॉप या मोबाइल में सेफली रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक न्यूली रिक्रूटेड क्लर्क को, अगर वो आते के साथ ही जीआईबी क्लियर कर लेता है, जैसे बैंक में उन्होंने ज्वाइन किया न्यूली रिक्रूटेड क्लर्क ने और आते के साथ ही नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने अगर जीआईबी क्लियर कर लिया है तो उनके सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा हर महीने, ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, न्यूली रिक्रूटेड जो क्लर्क होते हैं उनका जो बेसिक होगा वो होगा 655 रुपए का। बेसिक में जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो होता है 655 रुपए का, ठीक है। बेसिक तो होता है 13,075 रुपए का, 13,075, और जो एनुअल इंक्रीमेंट लगना होता है वो 655 का, यानी 655 रुपए का लगना होता है। तो इंक्रीज इन बेसिक मान लेते हैं 655 रुपए, और डीए एक रेट हम लोगों ने मान लिया है 47%। चूंकि डीए वेरी करता है इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए 47% यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। चलिए डीए 47% के रेट से 3088 यानी 308 रुपए डीए मान लिया हमने। एचआरए मिलता है क्लर्क्स को एट द रेट 7.5%, सबसे मिनिमम जो है वो 7.5% है, उसी को हमने माना है अपने आज के डिस्कशन में। तो चलिए मान लेते हैं सबसे कम ही मानते हैं इसको 7.5%, तो वो हो जाता है 49 रुपए। और एक स्पेशल अलाउंस है 7.75% के रेट से, जो कि आपके बेसिक पर लगेगा, ये जो बेसिक बढ़ेगा आपका 655 रुपए पे से, इस पे हम लोग 7.75% के रेट से 51 रुपीज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखिए इस पर ये 51 पर फिर आपको डीए भी मिलेगा 47% के रेट से, तो ये हो जाता है 24 रुपए। क्लियर, टोटल आप देखिएगा इसको ऐड करके तो 1087 1087 रुपए हर महीने एक न्यूली रिक्रूटेड क्लर्क का बढ़ जाता है जब वो जीआईबी कर लेता है। वहीं अगर उसके साथ जिसने भी ज्वाइन किया है उसने अगर जीआईबी क्लियर नहीं किया है तो उसका सैलरी 1087 रुपए कम हो जाएगा, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब देखते हैं यही बंदा अगर अगले अटेम्प्ट में सीआईबी भी क्लियर कर लेता है तब इसके सैलरी पर और कितना फर्क पड़ेगा। जीआईबी का तो था ही 1087 का इंक्रीमेंट, उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये बंदा अगर ये सीआईबी भी क्लियर कर लेता है तो देखिए सीआईबी क्लियर करने पे क्लर्क में मैक्सिमम बैंक्स के द्वारा दो इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, और अगला इंक्रीमेंट जो होगा इनका 815 रुपए का होगा। बेसिक में इंक्रीमेंट लगता है दो इंक्रीमेंट, तो 815 × 2 यानी हो जाता है 1630 1630 रुपए। उस पर डीए हमने इसमें भी 47% ही माना है, डीए प्लस एचआरए प्लस स्पेशल अलाउंस, और स्पेशल अलाउंस जितना आता है उस पर डीए फिर से 47% के रेट से, टोटल हो जाता है 2703 अप्रॉक्स, यानी 2700 रुपए आपके बढ़ जाएंगे हर महीने अगर आप सीआईबी भी कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे जीआईबी और सीआईबी दोनों का ऐड करके 1087 और यहां पर 2703, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे 3790 यानी 3790 रुपए के आसपास आपका सैलरी बढ़ जाता है जीआईबी सीआईबी कर लेने से, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट माना जाएगा अगर आप टाइमली जीआईबी सीआईबी क्लियर कर लेते हैं तो। अब देखते हैं एक न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर के सैलरी पर क्या फर्क पड़ता है जीआईबी और सीआईबी करने से। देखिए ऑफिसर्स अगर जीआईबी सीआईबी क्लियर करते हैं तो दोनों के उनको एक एक इंक्रीमेंट मिलते हैं, और ऑफिसर्स का जो स्टार्टिंग इंक्रीज होता है बेसिक में एनुअल इंक्रीमेंट वो होता है 980 रुपए यानी 980 का। उस पर डीए 47% यहां भी हमने माना है, एचआरए एट द रेट 7% मिनिमम जो एचआरए ऑफिसर्स को मिलता है वो हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल में लिया है, स्पेशल अलाउंसेस 7.75% प्लस डीए इस पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, टोटल आता है 1622 रुपए। यानी अगर एक न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर आते के साथ ही अगले अटेम्प्ट में ही जीआईबी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इनके सैलरी में हर महीने 1622 रुपए बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं अगर ये बंदा अगले अटेम्प्ट में सीआईबी भी क्लियर कर ले तो, चूंकि इनका बेसिक
980 का ही है और एक ही इंक्रीमेंट मिलता है, इसलिए सेम ही रह जाएगा जीआईबी और सीआईबी करने से। यानी मान के चलिए कि जीआईबी और सीआईबी कर लेने से इनको हर महीने 3244 रुपए का इजाफा इनके सैलरी में हो जाता है, अगर किसी ऑफिसर ने जीआईबी और सीआईबी दोनों कर लिया है आते के साथ ही। वही अगर आप लोग आगे के स्टेजेस में करते हैं तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज का जो भी हमने डिस्कशन लिया है ये एकदम बेसिक पर लिया है, जो एकदम स्टार्टिंग आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है 655 क्लर्क्स का होता है, ये एकदम स्टार्टिंग होता है। तो इसलिए इस डिस्कशन में हमने बेसिक पर ही कैलकुलेट किया सब कुछ। अगर आप और ज्यादा पुराने स्टाफ हैं तो आपका सैलरी और ज्यादा से बढ़ेगा, ये आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये तो होगी बात एनुअल इंक्रीमेंट क्या लगता है, जिससे हर महीने क्या फायदा होने वाला है आपके सैलरी पर। एनुअल इंक्रीमेंट के अलावे आपको जो और भी फायदे दिए जाते हैं वो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन में आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है जीआईबी और सीआईबी के लिए। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर जीआईबी एंड सीआईबी क्वालिफिकेशन इज अलॉटेड बाय बैंक्स इन इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जीआईबी सीआईबी का जिसके पास भी क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए बैंक्स जब भी डिपार्टमेंटल यानी इंटरनल प्रमोशन लेते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेटेज आपको दिया जाता है जीआईबी और सीआईबी क्वालिफिकेशन के लिए। तो अगर आपके पास जीआईबी सीआईबी है तो कहीं ना कहीं आप टोटल मार्क्स में से कुछ मार्क्स, सपोज कीजिए किसी बैंक ने जीआईबी और सीआईबी दोनों के लिए 10 मार्क्स अलॉट करके रखा है, यानी आपके पास 10 मार्क्स पहले ही आ गया कंपेयर टू वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जीआईबी और सीआईबी नहीं किया हुआ है। यानी आपके पास 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज दे दिया गया आपके बैंक के द्वारा जीआईबी और सीआईबी के क्वालिफिकेशन के बेस पे। ये वेरी भी कर सकता है बाकी बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स 5 मार्क्स दे सकते हैं, बहुत सारे बैंक्स 10 मार्क्स दे सकते हैं, ये वैरी कर सकता है बैंक्स टू बैंक्स, लेकिन एक्स्ट्रा वेटेज रहता है जीआईबी और सीआईबी के लिए। तो आज के डिस्कशन से क्या पता चला, एनुअल इंक्रीमेंट तो मिलता ही है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वेटेज प्रमोशनल एग्जाम में भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जीआईबी और सीआईबी क्लियर कर लेने के बाद वो एक अलग, उसका अलग एक फायदा आपको रहेगा। ता उम्र मिलेगा आपको, अगर आपके किसी कलीग ने जीआईबी और सीआईबी नहीं करके रखा है और आपने कर लिया है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। वैसे भी बीइंग ए बैंकर आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपसे ही पूछा जाता है आपने जीआईबी और सीआईबी कर लिया है क्या, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी बैंकर से। तो इसका आप आंसर हाँ में दें, इसके लिए आपको जीआईबी और सीआईबी क्लियर करना चाहिए। सो गो फॉर इट, एंड आपको आज के डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।